नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। कोरोना संकट के कारण दिल्ली एनसीआर की सीमाएं सील हैं और लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की दिक्कत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बुधवार को एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास बनाने का निर्देश दिया है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। एक नीति, एक रास्ता, एक पोर्टल। दिल्ली यूपी हरियाणा के लिए अब एक ही पास। एक हफ्ते में हो समस्या का समाधान। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच बॉर्डर सील होने से परेशान लोगों को जल्द राहत मिल सकती है। कोरोना संकट के कारण दिल्ली एनसीआर की सीमाएं सील हैं, जिसके कारण एनसीआर में आवाजाही को लेकर घर ऑफिस जाने आने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनता की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एनसीआर क्षेत्र के लिए एक कॉमन पास बनाने का निर्देश दिया। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? दिल्ली एनसीआर के लिए एक ही पास होना चाहिए, एक कॉमन पास बने जिसकी हरियाणा, यूपी और दिल्ली तीनों राज्यों में मान्यता हो। तीनों राज्यों के लिए एक ही पास होना चाहिए, पास एक ही जगह एक ही पोर्टल पर बनना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र से इस पर एक हफ्ते में समाधान निकालने को कहा है। केंद्र सरकार दिल्ली, हरियाणा और यूपी के साथ मिलकर इसका समाधान निकाले। दिल्ली सरकार के मुखिया ने जब दिल्ली के बॉर्डर को सील किया उस पर सवाल उठे, लेकिन बॉर्डर सील करने की प्रक्रिया कब, कैसे और किसने शुरू की, देखिए इस रिपोर्ट में। सुनवाई के दौरान हरियाणा ने कहा है कि हमने सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्तमान हालात में एक नीति, एक रास्ता और एक पोर्टल बनाया जाए। वहीं केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि वो इसके लिए केंद्र सरकार से निर्देश लेंगे, ताकि एक समान नीति हो और लोगों की परेशानी न हो। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान पहले उत्तर प्रदेश ने नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर सील किए। इन्हें बीच में खोला गया लेकिन फिर सील किया गया। इसी तरह हरियाणा ने गुड़गांव और फरीदाबाद के सारे बॉर्डर सील किए। बीच में इन्हें भी खोला गया लेकिन फिर सील कर दिया गया। फिर जब 1 जून से हरियाणा ने ढील देने की बात कही, तो अरविंद केजरीवाल ने 8 जून तक के लिए यूपी और हरियाणा बॉर्डर को सील कर दिया। बुधवार को 33 दिन बाद दिल्ली गुरुग्राम के बीच लोगों की आवाजाही बिना रोक टोक के होने लगी थी। बॉर्डर पर हरियाणा सीमा में कुछ जगहों से पुलिस ने बैरिकेडिंग हटानी भी शुरू कर दी। दिल्ली गुरुग्राम के बीच सबसे अहम रजौरी बॉर्डर पर बुधवार सुबह ही पुलिस ने बैरिकेडिंग हटा दी थी। इसमें लोगों को जाम से छुटकारा मिल गया। वहां पुलिस कर्मियों की संख्या भी कम कर दी गई। दिल्ली की तरफ आ रहे लोगों से भी अभी तक पूछताछ नहीं की जा रही थी। कापरसेड़ा बॉर्डर पर भी सुबह के समय कुछ पूछताछ हुई, लेकिन इसके बाद लोगों को बेरोक टोक आने जाने की अनुमति दे दी गई। वहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजीपुर बॉर्डर पर स्थिति दूसरी थी। यहां चेकिंग जमकर हुई। ईस्ट दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से गुजरने वालों को आजकल अजीब हालात का सामना करना पड़ रहा है। कभी तो बॉर्डर पर चेकिंग सख्त कर दी जाती है, जिस कारण लंबा जाम लग जाता है, तो कभी पुलिस वाले सब कुछ खुला छोड़ देते हैं। यह हाल केवल गाजियाबाद की तरफ जाने वाले रूट का ही नहीं है, बल्कि गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले रूट पर भी यही हालात है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य एक नीति, एक रास्ता, एक पोर्टल और लोगों को कॉमन पास देने पर कितनी जल्दी काम करता है। जनसत्य न्यूज के लिए रश्मि अग्रवाल की रिपोर्ट। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।